बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वदूदो अल्लाह का सिफाती नाम है और शोहर की मोहब्बत हासिल करने के हवाले से इस नाम में पुर इसरार किस्म की रूहानियत छुपी हुई है और बेशुमार बहनों ने इस नाम मुबारक की बरकत से अपने शोहर की मोहब्बत हमेशा के लिए हासिल की है। लेकिन अक्सर बहनें या वदूदों का वजीफा करने के बावजूद शोहर की नफरत को मोहब्बत में नहीं बदल पाती। इसकी वजह यह होती है कि इन्हें या वदूदों का वजीफा के सही तरीका का पता नहीं होता। नासरीन, या वदूदों का वजीफा 7 दिन तक किया जाता है और इस वजीफा को शुरू करने से कम अज कम 3 दिन पहले आप कच्चा प्याज, लहसुन और हर बदबूदार चीज का इस्तेमाल बंद कर दें, क्योंकि अगर इस वजीफा के दौरान आपके मुंह से बदबू आई तो ऐन मुमकिन है कि इस वजीफा की बरकत आपके लिए रुक जाए। वजीफा के दौरान आपकी नमाज हरगिज कजा ना हो और ना ही आप शोहर से तल्ख बात करें। बयान की गई पाबंदियों का ख्याल रखते हुए आप इस वजीफा को शुरू करेंगे तो आपको जरूर कामयाबी हासिल होगी और ये कामयाबी आपको हैरान भी कर देगी। नाज़रीन, इस वजीफा को आपने जुमा के दिन फजर की नमाज के बाद शुरू करना है, यानी आप फजर की नमाज अदा करने के बाद अव्वलो आखिर 10-10 बार दुरूद पाक जिक्र करें और दरमियान में आप 1100 बार यावदूदो और 100 बार सूरह फातिहा मोहब्बत के साथ तलावत करें और इस वजीफा को आप 7 रोज तक जारी रखें। इंशाल्लाह 7 रोज में आपके शोहर का दिल सिर्फ आपके लिए धड़कना शुरू हो जाएगा। जब आपका ये वजीफा मुकम्मल हो जाए तो इस वक्त आप सादा पेपर पर 10 मरतबा यावदूदो बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ तहरीर करके अपने घर में जरूर रखें। ये जरूरी नहीं बल्कि बेहद जरूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात वजीफा का असर चंद दिन बाद शुरू होना होता है और बाज़ बहनें ये समझती हैं कि उनका वजीफा मुकम्मल हो गया है और उन्हें इस वजीफा में नाकामी हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं होता, वजीफा असर कर रहा होता है मगर उसकी बरकत दिखाई नहीं देती। लिहाजा वजीफा की बरकत जाहिर होने से पहले पहले बहनों से कोई ना कोई ऐसी गलती भी हो जाती है जो कि शरी हवाले से दुरुस्त नहीं, जिसकी वजह से किए गए वजीफा की बरकत भी खत्म हो जाती है। लिहाजा ये बरकत खत्म ना हो इसी वजह से हर वजीफे का इख्तिताम इसके अरबी नक्श से किया जाता है। नाज़रीन, यावदूदों का ये नक्श आप खुद भी मुश्क, अंबर, ज़ाफ़रान और गुलाब से तहरीर करके अपने घर में रख सकते हैं। लेकिन अगर आपसे ये नक्श तहरीर ना हो तो आप बुजुर्ग अम्मा ज़ैनब को कॉल करके इस नक्श का हदिया खर्च 850 रुपये अदा करके हासिल कर सकते हैं। इस रूहानी अमल की मज़ीद उर्दू डिटेल के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ज़रूर विज़िट करें। हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के सदका में आपकी सभी नेक दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। या रब्बुल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।